आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। क्या कहता है? सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समानता, सभी लोगों को, हमारे जो नागरिक हैं उन सभी को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता दी गई है, सभी को समान अवसर दिए गए। अब जिसमें जितनी योग्यता है वो उसको पालेगा, पद को पालेगा। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 16, इसमें क्या है। आर्टिकल 16(1) कहता है, राज्य के अधीन सभी पदों पर सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन जितने भी पद होंगे उसमें सभी नागरिकों को सभी पदों पर अवसर की समानता होगी, सभी के लिए समान अवसर होंगे। अब कौन कितनी मेहनत कर रहा है ये उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो पद उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पद सीमित है, वैकेंसी सीमित है, और जो पीपल है, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो असीमित है। भारत में, भारत की बात चल रही है, ध्यान रखें। तो इसी वजह से क्या है, पद सीमित है, अवसर सभी को है। अब जिसमें जितनी मेहनत करने की योग्यता होगी, जो जितनी मेहनत करेगा वो उस पद को पा लेगा, भर लेगा। आगे क्या कहता है आर्टिकल 16(2), केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी पद को भरने के लिए, राज्य के अधीन किसी भी पद को भरने के लिए, केवल, इसमें ध्यान रखना है केवल वर्ड का यूज हुआ है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इस आधार पर नहीं किया जा सकता, इन आधारों पर। भेदभाव के अन्य आधार हो सकते हैं, कोई और आधार हो सकता है। ये कहना है कि आधार कोई और हो सकता है, लेकिन ये आधार नहीं हो सकते कि इस आधार पर आप किसी को जॉब नहीं दे रहे। आगे क्या है आर्टिकल 16(3), इस आर्टिकल की कोई बात राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को किसी पद या नियुक्ति के विषय में संसद को कानून बनाने से रोकेगी नहीं। ये आर्टिकल कहता है कि संसद को इस आर्टिकल के अधीन, संसद को किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी पद के लिए कोई भी कानून बनाने से रोकेगी नहीं। वो चाहे तो किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी पद के लिए, संघ राज्य क्षेत्र हो या राज्य हो, वो उस पद का सृजन भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है और कुछ बना भी सकता है कुछ अलग तरीके से। ये आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं। मतलब ये देखा जाए तो समाज हित में बात चल रही है, समाज हित के मुद्दे पर संविधान और कोर्ट का कहना है कि आप काम कर सकते हो समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए, समाज के लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए। आगे क्या है आर्टिकल 16(4) क्या कहता है। आर्टिकल 16(4) कहता है, इस आर्टिकल की कोई भी बात अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाने के लिए, कानून बनाने से राज्य को रोकेगी नहीं। इस आर्टिकल की कोई भी बात अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए, राज्य को कानून बनाने से रोकेगी नहीं। बस इतनी बात है इसके अंदर, कानून बनाने से रोकेगी नहीं। ओबीसी के लिए आरक्षण भी दे सकते हैं, कोई पद का सृजन कर सकते हैं जो कि अपर्याप्त है, या कोई पद की कमी लग रही है तो उसको बना सकता है राज्य। ये आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं। आगे क्या है आर्टिकल 16(4)(a) क्या कहता है, इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को एससी और एसटी के लिए कोई नियुक्ति करने या किसी पद को बनाने के लिए, ये आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं। राज्य चाहे तो प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकता है। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, ध्यान रखना है, ये व्यवस्था संविधान में दी गई है कि राज्य चाहे एससी और एसटी के वर्गों को ऊपर उठाने के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकता है। ये एक विवाद का विषय है, ये कोर्ट में चल रहा है, इस पर आगे नहीं बोल सकते। आगे देखते हैं आर्टिकल 16(4)(b) क्या कहता है। इन दोनों जो आर्टिकल में जो भी बातें कही गई हैं, ये आर्टिकल उनको रोकेगा नहीं, उनको संरक्षण प्रदान कर रहा है। ये आर्टिकल 16(4)(b) इन दोनों में जो बात कही गई है, ये आर्टिकल उनको रोकेगा नहीं, वो चाहे तो उनके लिए कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। ये इनको संरक्षण प्रदान कर रहा है कि कुछ बनाइए आप, हम नहीं रोक सकते। आगे आर्टिकल 16(5) क्या कहता है, इस आर्टिकल की कोई भी बात किसी ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसमें कहा गया हो कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का हो। इसमें देखा जाए तो इनडायरेक्टली ऐसे लोगों की बात की है जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, इनका एक संप्रदाय होता है, अपना धर्म होता है, वो चाहे तो ऐसी संस्थाओं की जो स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, किसी सांप्रदायिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं,
और इसमें अगर उसमें ये व्यवस्था हो कि इस व्यवस्था के लिए, इस संप्रदाय के लिए, इस धार्मिक संस्था के लिए ऐसे लोगों की नियुक्ति की जानी है जो इस धर्म का हो, इस जाति का हो, तो इसमें भी ये संविधान का आर्टिकल या ये संविधान उसको रोकेगा नहीं। वो चाहे तो अपने लिए, जैसे कोई मुस्लिम संस्था है, जैसे कोई सिख संस्था है, पारसी है, वो अपना संप्रदाय के लिए चाहे तो उसके लिए वो कह सकती है कि हमारे पारसी संप्रदाय का ही कोई प्रधान, जो प्रधानाचार्य होगा, उसमें बन सकता है, अध्यक्ष पारसी संस्था का ही बन सकता है। या फिर अगर मुस्लिम संस्था है तो वो कह सकते हैं कि इसके लिए मुस्लिम ही कोई हो सकता है, इसके पद पर, उच्च पद पर मुस्लिम ही हो सकता है। ऐसा संरक्षण भी हमारे संविधान में दिया गया है कि इसके अंदर भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कि उनके उनके जो भी बनाया गया है, जो भी नियम कानून बनाए हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कि उन्होंने जो भी बनाया है उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। देखा जाए तो इसमें सांप्रदायिक जो भी व्यवस्था बनेगी, सांप्रदायिक जो संस्था बनेगी, उसको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। ये ओबीसी, एसटी और एसटी दोनों की बात की गई। अब आता है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को संरक्षण इसमें दिया गया है। तो देखा जाए तो ये आगे देख लेते हैं, इसमें आया था ओबीसी, ओबीसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओबीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बेस से लेके आगे आगे तक। इसमें देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पंडित नेहरू सरकार में 1953 में किया गया था। कौन थे अध्यक्ष इसके? काका काल के कालेलकर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। आगे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मोरारजी देसाई की सरकार में, कौन सी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में, 1979 में इसको नियुक्त किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980 के अंदर इसने रिपोर्ट दी। अब क्या क्या था इस रिपोर्ट में, आगे देख लेते हैं। इसको किस बेसिस पे लिया गया था कि आप सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ये एनालिसिस करेंगे, ये विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में ओबीसी किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से चल रहे हैं। तो इसका बेस था सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि। आगे देखते हैं, ये आर्टिकल 340 में समाहित किया गया है। ओबीसी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो 27% ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया है, वो बीपी मंडल की जो अध्यक्षता में जो आयोग बना था, उसी ने रिकमेंड किया था कि इस वर्ग को 27% आरक्षण की जरूरत है, तभी ये ऊपर पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था। इसमें आर्टिकल इसको आर्टिकल 340 में रखा गया है। रिजर्वेशन 27% दिया गया था इस आयोग के अंदर। पॉपुलेशन ये 52%, भारत की 52%, 52% जो भी पॉपुलेशन थी उसको कवर कर रहा था ओबीसी में उस समय। 52% जो भी पॉपुलेशन थी उसमें 52% को कवर कर रहा था, मतलब ओबीसी की 52% जो भी पॉपुलेशन थी उसको 27% आरक्षण को रिकमेंड किया गया था। आगे, कास्ट कितनी इंक्लूड की गई थी इसके अंदर उस समय? 3743 कास्ट को, इसमें इंक्लूड किया गया था, इसमें समाहित किया गया था कि हाँ, इन कास्ट को, 3743 कास्ट को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये था हमारा ओबीसी, और पदों में आरक्षण दिया जाएगा। आगे है आर्टिकल 16, जो कि सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। ये सभी चीजें अवसर की समानता को लेकर थी, आपको अवसर की पूरी समानता है, अब आप अपनी योग्यता दिखाइए और वैकेंसी को ले जाइए। तो ये था हमारा आर्टिकल 16। अब मिलते हैं आर्टिकल 17। आज के लिए।